नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ नौशीन परवीन। उत्तराखंड प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ 24। भगवानपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 5 अज्ञात बदमाशों को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। सिविल लाइन कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए SP देहात सोपन्न किशोर ने कहा कि SSP हरिद्वार के निर्देश अनुसार क्षेत्र में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत SP देहात एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी मंगलोर एवं भगवानपुर पुलिस ने सूचना पर 5 बदमाश वंडर कंपनी के पास की गली में खाली फ्लैट में पने गुमटी में लूट की योजना बनाते किए गिरफ्तार और उनके पास से हथियार भी किए बरामद। मौके पर ही घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लूट की योजना बना रहे थे। घटना का तत्काल खुलासा करने पर SSP हरिद्वार पुलिस ने टीम को 2,500 का इनाम देने की घोषणा की। इसके साथ ही भगवानपुर व्यापार मंडल और नगर भाजपा मंडल की ओर से सुनील बंसर अध्यक्ष ने 11,000 का चेक SP देहात को सौंपा और उन्हें शॉर्ट भेंट कर सम्मानित किया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 अवैध तमंचे, 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस, 2 चाकू और 1 एयरगन पिस्टल बरामद की गई है। इनके द्वारा पूछताछ में यह स्वीकार किया गया कि उनकी योजना मिश्रा बंधु नाम का लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, उसके साथ लूट करने की थी। चूँकि हर महीने की 1-2 तारीख को वो अपने लेबर को पैसे देने जाता है और उस दौरान उसके पास भारी मात्रा में नकदी होती है, तो उस घटना को ये अंजाम देने वाले थे। समय रहते इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भगवानपुर पुलिस टीम के द्वारा ये सफलता हासिल की गई है और उक्त अपराध को होने से निवारित किया गया है। इस संबंध में इनके आपराधिक इतिहास के बारे में सरहदी थानों और जनपदों से जानकारी एकत्र की जा रही है। सर, पहले कोई क्रिमिनल में सरहदी थानों और जनपदों से उनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। सर, पुलिस टीम को कुछ इनाम दिया? 11,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। 2,500 रुपये का नकद पुरस्कार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार महोदय के द्वारा पुलिस टीम को दिया गया है।